हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। एंड हाँ गाइस, आपको स्क्रीन पर दो फोटो दिख रहा होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको एक फोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा। एंड गाइस, दूसरे फोटो का बैकग्राउंड एंड PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप गाइस दोनों फोटो का स्टॉक डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आपको जो भी फोटो एडिटिंग करना होगा आप उस तरह से फोटो एडिट कर लीजिएगा। ओके, सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बगल वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइस, आपको सिंपली इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवा लेना है। सिंपल सा पोज है, आप इस तरह से पोज में अच्छी तरह से फोटो क्लिक करवा लीजिएगा। ओके, एंड हाँ गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही रिमूव करके रख लिया हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सिंपली हम यहाँ से बैक हो जाते हैं एंड अपने बैकग्राउंड को लेकर आएंगे जो कि हमारा ये बैकग्राउंड रहा। एंड गाइस, ये फुल HD में है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सभी स्टॉक को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ से सिंपली जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को लेकर आएंगे जो कि ये रहा हमारा मॉडल। तो सिंपली इस तरह से ब्रा करके अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से हम यहाँ पे लगा लेते हैं। एंड गाइस, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे हेयर एक एक करके दिख रहा होगा कट किया हुआ। तो मैं गाइस किस तरह से कट करता हूँ, आपको अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा कि मैं बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करता हूँ। तो इसका ट्यूटोरियल मैं आपको बना के दे दूंगा कि मैं किस तरह से अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ इतने अच्छे तरह से। ओके, तो गाइस सिंपली हम यहाँ से इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। एंड लगाने के बाद सिंपली गाइस यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड ऐड फोटो में जाने के बाद ये ब्रॉक एंड वोल्ट PNG है, तो सिंपली इसे लेकर आना है एंड इस तरह से हम लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे अच्छी तरह से लग चुका है, तो थोड़ा सा हम मॉडल को इस तरह से साइड कर लेते हैं, परफेक्टली अच्छी तरह से लगा लेते हैं। एंड गाइस इसके बाद सिंपली हम यहाँ से डन कर देंगे। ओके, सो गाइस हमारे यहाँ पे PicsArt का काम हो चुका है। एंड गाइस इतना ही काम था PicsArt में एंड इसमें सबसे ज़्यादा काम है Lightroom में जो कि कलर करेक्शन है। ओके, तो गाइस सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद अपने फोटो को सेव कर लेंगे। एंड गाइस सेव करने के बाद सिंपली हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। एंड गाइस बैक हो जाने के बाद अपने Lightroom को ओपन कर लेंगे। सो गाइस, अगर आपको Lightroom का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं Lightroom का प्रीमियम वर्जन। ओके, सो गाइस हमारे यहाँ पे फोटो Lightroom में आ चुका है, तो सिंपली हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे थर्मस वाले आइकन पे एंड मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड कलर को चूज करना है और इसके लुमिनेंस को हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे हमारे फेस पे थोड़ा सा गोरा हो जाए। ओके, एंड इसके सेचुरेशन को कम करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अगले कलर पर जाएंगे और इसके लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना है और इसके सेचुरेशन को कम कर लेंगे। ओके, सो गाइस इसके बाद हम यहाँ से ब्लू वाला कलर को चूज करेंगे और इसके सेचुरेशन को -100 कर लेना है जिससे हमारे टी शर्ट का कलर ब्लैक हो गया एंड लुमिनेंस को भी -100 कर लेंगे जिससे हमारा ब्लैक डार्क हो जाता है। ओके, एंड गाइस इसके बाद अगले कलर पर जाएंगे और इसके सेचुरेशन को कम कर लेना है एंड इससे भी अगले कलर पर जा करके इसके सेचुरेशन को कम कर लेना। ओके, एंड गाइस सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो गाइस इसके बाद इसके वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेते हैं 10% तक। एंड गाइस सिंपली यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे और इसके क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे जिससे हमारे फोटो में चमक आ जाती है अच्छी तरह से एंड भिगनेट को कम कर लेंगे। ओके, 40 के आसपास कर लेंगे और इसके बाद सिंपली नीचे जाएंगे और शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे एंड नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, एंड गाइस इसके बाद सिंपली कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, कलर नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, सो गाइस हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुका है। एंड गाइस अब इसमें कुछ काम और बाकी है जो कि हम ड्रॉ टूल में जाकर के करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे। ओके, एंड गाइस इसके बाद फोटो को जूम करना है, फोटो को जूम करने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से हम अपने हाथों के ऊपर चलाएंगे। गाइस हमारे हाथों को थोड़ा सा डार्क करना है इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद सिंपली इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी को ऐड कर लेते हैं एंड सन वाले आइकन पर जाकर के इसके एक्सपोजर को कम करेंगे। ओके,
तो गाइज हमारे यहाँ पे हार्ट देखिए बहुत ही अच्छे तरह से लग रहा है। एंड गाइज दूसरे हैंड के ऊपर भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से अपने दूसरे हैंड को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना और एक्सपोजर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके एंड गाइज इसके बाद हम अपने फेस को थोड़ा सा डार्क करेंगे, डार्क इफेक्ट डालेंगे हम अपने फेस के ऊपर। तो इस तरह से हम अपने फेस को जूम कर लेते हैं। एंड जूम करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है जहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने फोटो के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। एंड अपने बियर के ऊपर भी इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे डार्क करना। ओके एंड का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है तो सिंपली इस तरह से हम इसे इरेज कर लेंगे। ओके एंड का इरेज करने के बाद सिंपली यहाँ से क्लियरिटी को इनक्रीज कर देंगे एंड एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओके एंड इतना करने के बाद सिंपली डन कर देना है। ओके गाइज सो गाइज इसके बाद हम अपने हेयर को एंड टी शर्ट के कलर को थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो सिंपली यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड इस तरह से आपको अपने टी शर्ट के ऊपर पेंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेता हूँ टी शर्ट के ऊपर। एंड गाइज टी शर्ट के ऊपर पेंट करने के बाद सिंपली हेयर के ऊपर भी पेंट कर लेते हैं और क्लियरिटी को इनक्रीज कर देंगे एंड एक्सपोजर को कम कर लेंगे। ओके सो गाइज आप देख रहे हैं बहुत ही डार्क इफेक्ट आ गया हमारे टी शर्ट के ऊपर एंड शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड सिंपली डन कर देंगे। सो गाइज हमारे यहाँ पे फोटो फाइनली एडिट हो चुका है। एंड गाइज मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दे रहा हूँ जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर करेक्शन करने के बाद। तो सिंपली यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर के अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।